हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज़ दोस्तों बिग बॉस सीजन चौदह की विजेता रुबिना धिलेक इन दिनों कोविड पॉजिटिव हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं वैसे तो उन्होंने अपने फैंस के लिए बहुत ही पॉजिटिव पोस्ट के जरिए ये बताया कि उन्हें कोविड हुआ है लेकिन अब एक ऐसा ऑडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें रुबिना आंसुओं से रो रही हैं और अपने फैन से दुआ की गुहार लगा रही हैं क्या है पूरी खबर चलिए हम आपको टेली टॉकीज पर बताते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो टेलीविजन इंडस्ट्री की चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए टेली टॉकीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों रूबीना दिलेख एक बड़ी एक्ट्रेस है जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है रूबीना ने अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए कोविड के दौरान भी लगातार काम करा जिसके बाद वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गई और अब एक ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें रुबिना ये कह रही हैं कि वो शिमला में हैं उनकी हालत खराब है शरीर में दर्द है तेज बुखार है और गले में भी काफी परेशानी है उनसे ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा उनकी आवाज़ को सुनकर ही लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। लेकिन उन्होंने अपने फ़ैन से कहा कि मैं बस अपने फ़ैन से यही कहना चाहूंगी कि मेरे लिए दुआ करते रहिए दुनिया के हर इंसान के लिए जो कोविड से जूझ रहा है उसके लिए दुआ करें मैं जल्द ही ठीक होकर आऊंगी और फिर मैं एक महीने के बाद अपना प्लाज्मा भी डोनेट करूंगी क्योंकि मैं अच्छाई में बिलीव करती हूँ मैं हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहती हूँ दोस्तों रूबीना इस वक्त में है उनको आप सबकी दुआओं की जरूरत है आप उनके लिए दुआएं कैसे भेजेंगे कमेंट्स में जरूर लिखें वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें